मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी द विचर। हेनरी केविल बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने रोल अभी तक निभाया है। किस तरीके से नियाम हेम्सवर्थ इसको कर पाएंगे वो अनइमेजिनेबल टाइप हो जाता है मोटा मोटा लेवल पे जब आप इसके अंदर आप सीजन 3 देखते हो, पार्ट 1 देखते हो, जिसके 5 एपिसोड है। मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा लुक जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट रखी गई है। अगर आप बात करेंगे विचर की, यहाँ पर जिस तरीके से अभी तक प्रेजेंटेड था कुछ ज्यादा ही डार्क था, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा उनको अलग तरीके का हल्का सा लुक दिया गया है। फैंटेसी मॉन्स्टर्स ह्यूमंस एल्फ्स अलग अलग किंगडम, ये सारी जो कहानी है एक दूसरे पे क्यों अटैक कर रहे हैं, जो पीरियोडिक आपको फील दिखती है, जिस तरीके के अटायर है वो सब कुछ यहाँ पर मेंटेन करा गया। मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पर थोड़ी फैन सर्विस भी करी गई है कि आपको जब कभी भी लगता था कि शायद एक्शन इसके अंदर लिमिटेड हो जाता है, और मैंने भी अपने रिव्यूज में बहुत बार ही बोला कि शायद आप गैरल्ट ऑफ रिविया को ज्यादा एक्शन करते हुए देखना चाहते हो, मॉन्स्टर और ज्यादा होने चाहिए, वो सब आप दिखता है। हालांकि सारा का सारा जो सेंटर स्टेज है सीजन 3 का वो यही है कि किस तरीके से ये लोग येनेफर यानी कि जो सॉसरस है और विचर भाई साहब ये किस तरीके से सीरी को प्रोटेक्ट करते हैं, और प्रोटेक्ट ही नहीं हालांकि उसको आगे ट्रेन भी करना चाहते ताकि अपनी वो पावर्स जो है नर्चर कर पाए, और जो लगाव है विचर का सीरी की तरफ और क्या इन दोनों का रिलेशनशिप है उसको आगे एक्सप्लोर किया जाता है जब वो अर्थूजा जाते हैं एक मैजिकल अकेडमी के अंदर ताकि सीरी अपनी पावर्स को अच्छे से हार्नेस कर पाए। विचर 3 मेरे ख्याल से और डार्कर है, यहां पर और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और सबको सीरी मांगता है, चाहे वो नई मेज हो, चाहे वो वॉलेट हो, चाहे वो फ्रांसिस्का हो, चाहे वो फिर सिग्समंड हो, वो ये सारे जो लोग हैं इनको मांगती है सीरी, और सीरी क्यों मांगती है अपने अपने इंटेंशन से। तो कहीं ना कहीं जब इतने सारे लोग एक पॉलिटिकल चक्रव्यूह बनाने की कोशिश करते हैं, पावर चक्रव्यूह बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपको ऐसा लगने लग जाता है अरे कहीं मैं गेम ऑफ थ्रोन के जोन के अंदर तो नहीं जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स भी ठीक ठाक शुरू हो जाती है, काफी सारी नई नई कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, तो वो आपको लगता है कि उसी जोन के अंदर है, क्योंकि प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत शानदार है, म्यूजिक बैकग्राउंड का बहुत शानदार है। थोड़ी सी शिकायत मेरी इससे ये है कि कई की जगह पे बहुत अमेजिंग सा VFX CGI है, किसी एक आधी जगह पे आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अजीब हो गया मामला, लेकिन फिर भी काफी अच्छी अच्छी थीम्स यहाँ पर एक्सप्लोर करी गई हैं जो इन सब चीजों को ओवररूल कर देती हैं। जैसे कि ये जो इंटर जो किंग्स की जो वॉर है, क्यों वो पावर लेना चाहते हैं, डेस्टिनी क्या होती है, क्यों ये दोनों सीरी और जो जेराल्ड है ये साथ में आ गए, ये सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आप एक्सप्लोर करते हो, और फिर ऑब्वियसली क्लिफ हैंगर पे तो एंड होना ही था क्योंकि इसका पार्ट 2 आएगा जुलाई के एंड के अंदर, और फिर सीजन 4 नेक्स्ट ईयर जब आएगा तो फिर आपको एक नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा, लियाम हेम्सवर्थ यानी क्रिस हेम्सवर्थ के भाई। कैसा वो यहाँ पर बैठेगा आई डोंट नो, बट फैंस को तो ये चाहिए कि हेनरी केविल हो इसके अंदर, ना वो सुपरमैन रहे हैं ना वो विचर रहे हैं, वो क्या बनेंगे लेट्स सी। बाकी इस सीरीज को अभी तक कोई रिव्यू करने के बाद रेटिंग देने का तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अभी जब पार्ट 2 आएगा तभी दे पाएंगे ताकि पता चले कि कैसा पूरा सीजन बना है। अभी तक सेटिस्फैक्टरी है, पहले से ज्यादा एक्शन है, जो इरिटेशन आपको एक टीनेजर से यूजुअली होगी वो सीरी के रूप में भी आपको यहां पर होगी, उसको बोलेंगे कि ये चीज मत कर तो वो जरूर करेगी, तो वो एक कॉमन फैक्टर है जो बहुत सारे US के जो शोज होते हैं उसमें यूज किया जाता है कि टीनेजर्स किसी की सुनते नहीं है, फिर एंड में वही आपको विन करा देते हैं, वो थोड़ी क्रिएटिव लीप हो जाती है, बट लेट्स सी इसके अंदर सीजन 3 के पार्ट 2 में कैसे कंक्लूड होता है। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज के साथ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।